आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हम अपने इस खास कार्यक्रम में देश प्रदेश की उन हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं जो कि लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे सुमन सिंह रावत जी से, जो कि समाज सेवी हैं, जो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती हैं। आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़े उन किस्सों के बारे में जिनकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुंची है। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े वो किस्से बताएंगे जिनकी वजह से उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा, अपने जीवन में किन किन चीजों का सामना करते हुए वो इस मुकाम पे पहुंची है कि आज उन्हें हर कोई जानता है। साथ ही बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने परिवार और अपने काम के बीच तालमेल बैठाया। सुमन जी, हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप 22 सालों से समाज सेविका के रूप में काम कर रही हैं, तो सबसे पहला सवाल, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? थैंक यू सो मच। इसकी प्रेरणा बेसिकली मेरे को तो ये लगता है कि मैं बचपन से ही, मेरे अंदर जब से मैंने होश संभाला, एक बहुत अच्छी धारणा थी या एक मेरी आदत बहुत अच्छी थी कि कोई भी ज़रूरतमंद अगर है, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बचपन में चाहे बच्चे हों या जब बड़े हों, कोई भी हों, तो उसको मदद देनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए कि अगर वो किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको, तो डेफिनेटली हमारी मदद अगर उसको चाहिए तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। जी जी, तो बस यही आदत आगे बढ़ते बढ़ते आज जी तक। अभी तक आप कितने लोगों की मदद कर चुकी हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब आप दूसरों की मदद करती हैं? परेशानियां जो होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। मान लीजिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के ही मैं कुछ काम करूंगी, समाज के प्रति करूंगी, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति करूंगी, क्योंकि मुसीबतें असामयिक होती हैं और अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि कब किस वक्त आ जाए, दिन में आ जाए, रात में आ जाए, बारिश में हो या किसी भी तरीके की हो। लाइक मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है और उसको ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो हम लोगों ने, मतलब जो आज हमारी NGO पावर विंग्स फाउंडेशन है, हम लोगों ने एक नंबर उस पर जारी किया है, वो पूरा पब्लिक के लिए वो नंबर है, उस पर कॉल आती है सडनली कि फलानी जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ है, हैवी ब्लीडिंग है या उसको इतना गंभीर स्थिति में वो है, तो क्विक हम लोग वहाँ पे जा करके उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस को किन्हीं कारणवश अगर पहुँचने में अगर देर हो रही है तो हम लोग उसको उसकी जान, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी गाड़ियों में डाल करके उसको फर्स्ट एड दिलवाने के लिए एटलीस्ट पहले, सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचा दिए। मान लीजिए किसी का फ़ोन आता है कि कोई बुज़ुर्ग है, लावारिस है, यहाँ इस हालत में पड़ा हुआ है, धूप में तप रहा है, इतना 44 डिग्री टेम्परेचर में तप रहा है, बारिश में भीग रहा है, कोई भी मौसम हो, कोई भी सिचुएशन हो, इमीडिएट उसको शेल्टर होम, वो कहाँ से आया पहले उसके बारे में पूछना। हाँ, मेरा ये रहता है कि इन जगहों पर हम, मैं सबसे पहले पुलिस को भी मैं कॉल कर देती हूँ, 112 में जरूर डायल करते हैं, 112 को डायल करते हुए खुद वहाँ पे पहुँच करके, टीम के साथ पहुँच करके इमीडिएट उसको मदद दी जाती है, उसको शेल्टर होम में डालने की, अगर कोई नहीं है उसका तो, अगर वो कुछ बता पाने की स्थिति में है कि मेरा घर यहाँ है, मेरे घर वाले ये हैं, तो वहाँ तक उसको पहुँचाने। जी, अगर जर्नी की बात करें तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन क्या है आपकी, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है? एक्चुअली मैंने तो उत्तराखंड से ही किया है, उत्तराखंड से ही मैंने अपनी स्कूलिंग की, कॉलेज किया उत्तराखंड से ही किया, लेकिन मैं आपको, अब आपने मुझे पूछ लिया है तो मैं ये भी बताते चलूँ आपको कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, काफ़ी जल्दी हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि मैंने उसके बाद भी अपनी पढ़ाई को उसके बाद भी जारी रखना पड़ा मुझे, और फिर शादी जल्दी हो गई थी, जल्दी तब के टाइम के हिसाब से तो वो जल्दी नहीं थी लेकिन ठीक वो था, और उसके बाद फिर अपनी एजुकेशन मैंने को पूरा, मैंने उधर ही से अपना कॉलेज और अपना स्कूल उत्तराखंड से ही मैंने कंप्लीट किया था। जी, अगर बात करी जाए आपके स्कूलिंग के बाद, आपके एजुकेशन के बाद, तो क्या आपने किसी तरह की एजुकेशन ली है सोशल वर्कर के लिए? आपको सोशल वर्किंग करनी थी, तो क्या आपने कोई एजुकेशन इससे रिलेटेड भी ली है? तब बहुत देर हो जाती अगर मैं कोई सोशल वर्क के लिए, अगर मेरा ये मानना है कि आत्मा से किया गया कोई मदद, आत्मा से की गई समाज की सेवा से बढ़कर कोई न तो शिक्षा होती है और न कोई डिग्री होती है, क्योंकि
किसी की मदद करने के लिए मेरा मतलब अकॉर्डिंग टू मी मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत हैं एजुकेशन के, उसमें वो आपको एक मतलब नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कर सकते हैं जी. या आगे किसी और को ट्रेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि आत्मा से, दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से और अपनी कर्मठता से किसी की गई मदद हमेशा सक्सेसफुल होती है, हमेशा उसमें सफलता मिलती है. और उस जो वो व्यक्ति होता है उसकी आह को हम वाह में बदल सकते हैं और उसकी आफत को हम राहत में बदल सकते हैं. मैंने किसी भी तरीके से सोशल वर्क करने के लिए कोई एजुकेशन नहीं ली है, मैंने किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं ली है मैंने. हाँ, मेरे ये जो संस्कार हैं या जो मैंने जो भी मैं आज समाज के प्रति हम कर पा रहे हैं, मेरी टीम कर पा रही है, बस वो टीम में भी वो लोग जुड़े हुए हैं जो दिल से, आत्मा से, मेहनत से और सम्मान से समाज के लिए समर्पित हैं. जी मैम, आपने बताया कि आपने पढ़ाई अपनी शादी के बाद भी जारी रखी थी, यानी शादी के बाद आपने समाज सेवा का काम शुरू किया. तो परिवार और समाज सेवा के बीच तालमेल कैसे बैठा पाई, क्योंकि 2400 घंटे का ये काम है ये, क्योंकि कोई 7 to 8 की जॉब तो है नहीं, तो तालमेल कैसे बैठाया आपने? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने. और जो ये समीकरण होता है, जो ये मैनेजमेंट होता है, जो ये तालमेल होता है, वो हम अगर हम मैनेज कर ले जाते हैं जी. मुझे पता है. हाँ देखिए, फिर जब मेरी शादी हो गई थी तो मेरे बच्चे भी जल्दी हो गए थे जी. तो छोटे बच्चे भी थे, फिर समाज सेवा करने का जो जज्बा, जो जुनून है, वो मुझे मेरी परिस्थितियां भी नहीं रोक पाती थी. इसलिए भी नहीं रोक पाती थी क्योंकि मैंने तब सामंजस्य बिठाना शुरू कर दिया था. किस टाइम पे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, किस टाइम पे उनको नाश्ता चाहिए होता है, कब मेरे बच्चों का दूध का पिलाने का टाइम है, कब मेरे बच्चों का नहलाने का टाइम है, जब वो छोटे छोटे थे. और हाँ, मैं ये इतना बताते चलूँ कि चूँकि मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और उत्तर प्रदेश हमारी कर्मभूमि है, मेरे हस्बैंड हमारे, हम लोगों की ये कर्मभूमि है, तो यहाँ पे हम लोग मतलब एक एकल परिवार से है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली से हम लोग, और बाकी तो सारी फैमिली और सब कुछ तो रिश्तेदारी सब उधर ही थी. दोनों हस्बैंड वाइफ को ही सब संभालना था, नौकरी संभालनी थी, परिवार संभालना था, समाज संभालना था. तो मैंने अपने इन घंटों को जो 12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे जिसमें आदमी काम कर सकता है, एक्टिव रह सकता है, उसको कैटेगराइज कर लिया था जी. ऐसा आज के टाइम पे भी लोग मानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो जॉब नहीं कर सकती, वर्किंग वूमेन नहीं हो सकती, पुरुषों की तुलना में महिलाएं अच्छा काम नहीं कर सकती हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी सैलरी कम होती है. आज भी कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में ऐसा देखने को मिलता है. आप एक अच्छा उदाहरण पेश कर रही हैं, आपने परिवार और अपने काम दोनों में सामंजस्य बैठाया. 24 घंटे की ड्यूटी समाज सेवा वाली वो आपने करी है, तो आप आज की महिलाओं को क्या कहेंगी? मैं आपके इस बात से जो आपने मुझे पूछी है या जो लोग कहते हैं, आपने कहा महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है, बेटियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो सामंजस्य नहीं बिठा पाती जी. लोगों की आज भी कुछ लोगों की सोच होती है, लोगों की सोच होती है, डेफिनेटली होती है. समाज में हर तरीके के दिमाग के लोग होते हैं, हर तरीके के सोच के लोग होते हैं. जो उनकी सोच होती है वो बाहर कहते हैं, ठीक है, वो उनका अधिकार है. लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक कतई नहीं रखती जी, बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ. मैं कहती हूँ हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं तो मतलब एक जो सिस्टम होता है होम मिनिस्टर का, मतलब उनको मैं एक्चुअल में रियल होम मिनिस्टर वही लोग हैं. आप ये बताइए, उनको पता होता है, वो इतना मैनेजमेंट, इतना पुख्ता और इतना बैलेंस्ड मैनेजमेंट होता है शायद किसी बेटी का, किसी बहन का, किसी माँ, किसी पत्नी का उतना एक, मेरे को तो लगता है कि पुरुष, ठीक है, वो अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जो मतलब हमारा जो एक ताना बाना है हमारे परिवार का, खाना बनाने से लेकर के सबको टिफिन नाश्ता और सारे कैसे कपड़े धुलने हैं, कैसे क्या करना है, कौन क्या करेगा, इसको तो पुरुष बहुत सक्सेसफुल है. मुझे तो लगता है कि नहीं कर पाएंगे. बच्चे रो रहे हैं, तुरंत उसको भी दूध पकड़ा दिया, किचन में कुछ जल रहा है, दौड़ करके जाती हैं उसको भी मतलब देखना कि कहीं सब्जी न जल जाए, और रोटी भी बेल रही है तो आवाज आती है कि इधर से एक गिलास पानी भेज दीजिए, अगर जॉइंट फैमिली भी है अगर उसकी, तो दौड़ दौड़ करके. ऐसा करती है कि नहीं करती है, आपका क्या मानना है? बिल्कुल करती है, सभी करती है, दौड़ दौड़ के करते हैं. और हमारी तो जब शादी हुई थी, जो दौड़ हमारी तब थी और आज शादी के 30-32 साल हो गए, लगभग 32 साल हो गए हमारे, हम आज भी उतना ही दौड़ रहे हैं, एक मैनेजमेंट ही तो है जी.
और लड़कियां की आपने एक और कहा कि इस कारण उनकी सैलरी वहां पे मतलब बहुत बेहतर वर्ग, अरे कौन कहता है? आज किस सेक्टर में हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने कहां नहीं परचम लहराया है? हमारी मातृशक्ति ने, हमारी नारी शक्ति ने, आप ये देखिए इस धरती की सबसे खूबसूरत संरचना जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी तो ईश्वर ने सबसे खूबसूरत संरचना, खूबसूरत इन द सेंस की मैं बाहरी खूबसूरती से नहीं कह रही हूँ, उसकी आंतरिक खूबसूरती, उसकी काम करने की कला की खूबसूरती, उसकी स्टेमिना की सूरती, उसकी ममता की सूरती, उसकी भावनाओं की खूबसूरती जितना एक स्त्री के अंदर है उतनी कोई दूसरी संरचना आप मुझे बता दीजिए। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि आपने फैमिली और अपने काम के बीच सामंजस्य तो बैठा लिया, लेकिन फैमिली का डिसीजन भी मैटर करता है। जब आपने समाज सेवा का जिम्मा उठाने का सोचा तो आपके इन-लॉज, आपकी फैमिली, क्या उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें समझाने के लिए? देखिए बहुत मैं बताती हूँ आपको, सबसे अच्छी बात और सबसे अच्छा क्वेश्चन तो आपने किया कि क्या फैमिली ने, मेरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने क्या वो तालमेल बिठा लिया था। मैं तो समझती हूँ कि परिवार एक ऐसी जगह है जो आपके हर डिसीजन पे आपका साथ देता है जी। बसरते वो डिसीजन सही हो, किसी के हित में सही हो, समाज के लिए सही हो, परिवार के लिए सही हो, तो कोई भी ऐसी फैमिली, कम से कम मेरे हिंदुस्तान की फैमिली तो नहीं हो सकती है कि वो उसका डिसरिगार्ड करे जी। और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने को कि मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो भी आर्मी में थे, तो वो जानते हैं उस जज्बे को और उस जुनून को कि जो देश की रक्षा में स्वयं खड़े थे जी। तो वो जान रहे थे कि अगर उनकी बहू किसी अच्छे काम के लिए निकल रही है या वो अपने को रोक नहीं पा रही है कि मुझे किसी की मदद करनी है, तो उनको ये लगता, वो महसूस करते थे उस चीज़ को कि नहीं इनको करना, जबकि वो ज़्यादातर हम लोगों के साथ नहीं, मेरे हस्बैंड जॉब में थे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जहाँ उनकी जॉब थी वहाँ तो हमको निकलना ही निकलना था। बिल्कुल। लेकिन मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, कुछ कहा भी जा सकता, कहा भी जाता है इस चीज़ को, और ऐसा है भी, देवभूमि की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पर ये है कि परोपकार को सर्वप्रथम प्रथम पायदान पे रखा जाता है कि हाँ कुछ न कुछ उपकार, कुछ न कुछ परोपकार हमेशा, चाहे वो मतलब बेजुबान पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, किसी को भी हो, उसका मदद जरूर करना चाहिए। परिवार ने जब मुझे देखा, मैं बताती हूँ आपको एक बहुत अच्छी बात, परिवार ने मुझे जब ये देखा कि ये घर परिवार वाले ये थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे या मान लो ये थोड़ी स्वीकार करेंगे इस चीज़ को कि मैं न तो उनकी देखभाल कर रही हूँ, न मैं घर का कोई काम कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए किसी ने कुछ बताया तो मैं दौड़ी चली जा रही हूँ, न घर में नाश्ता बन रहा है, न बच्चों को देख रहे हैं, न इन लॉज को देख रहे हैं, न हस्बैंड का टाइम हो गया, नहीं, वो सारा जो मेरी जिम्मेदारी है घर की, एक गृहिणी की, एक पत्नी की, एक माँ की जो जिम्मेदारी है जी। मैं उसका, मैंने आपको कहा कि मैंने उस अपने टाइम को उन घंटों और उन मिनट्स में कैटेगराइज कर लिया था कि कहाँ पे मुझे कितना समय देना है, और सारा वेल मैनेजमेंट के बाद भी अगर मैं किसी की मदद के लिए जाती हूँ तो मुझे परिवार ने कभी नहीं रोका। बिल्कुल, आपने आज तक कई लोगों की मदद करी है, क्या कभी ऐसा भी कोई केस आया जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी या पुलिस थाना करना पड़ा, आपको ज्यादा परेशानी हुई, कोई ऐसा केस? मैं आपको बताती हूँ कि देखिए समाज में अभी ज़्यादातर कुछ लोगों की मदद जो होती है वो बिना कोर्ट कचहरी के, मामले के बिना या वहाँ तक जाने के बिना नहीं हो पाती है जी। कई महिलाएं हैं उनके साथ कुछ शारीरिक छेड़छाड़ हो रही है, बेटियां हैं आते जाते उनको कोई परेशान कर रहा है, कुछ परिवार हैं ऐसे होते हैं, और आज भी हमारे समाज का दुर्भाग्य ही कहूँगी मैं कि बहुत सारी बेटियों को ससुराल में बहुत सारी प्रताड़नाएं मिलती हैं, और वाकई मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती है, इतना मिलता है कि उनके अंदर या तो मैं सोचती हूँ कि इंसानियत नहीं होती, या वो कानून को नहीं जानते हैं ऐसा करने वाले लोग, या वो लोग इतना निडर इसलिए होता है कोई भी इंसान क्योंकि वो कानून को नहीं जानता है। सबसे पहले तो कानून की अवेयरनेस होती है, वो होनी चाहिए, वो हर इंसान के अंदर, जब वो किसी चीज़ को बच्चा होता है और वो सोचने समझने लायक होता है तो सर्वप्रथम परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कानून के बारे में बताए कि कानून क्या चीज़ है,
मैं तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई। जैसे आपने मुझे पूछा कि कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि जिसमें आपको कोर्ट कचहरी, एक नहीं हमारे पास शिखा हजारों एग्जांपल है। हम लोगों को टोटल 22 साल हो गया है सड़कों पे काम करते हुए, लोगों की मदद को करते। पर्सनली आपके ऊपर एलिगेंस लगे हों? जी बिल्कुल लगे। आप ये एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि श्रावस्ती जिले की एक लड़की की शादी यही मवैया में हुई थी जी। तो वहाँ मवैया में हुई थी, तो दहेज उत्पीड़न को लेकर के उस बेटी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। और जब उस बेटी की शादी हुई थी तो 6-7 महीने ही हुए थे, और वो करीब 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी वो बेटियाँ 3-3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो अभी 2015 की ये मैं बात बताती हूँ, 15-16 की ये बात है। तो उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने पहले डिमांड किया लड़की वाले के तरफ ने कि हम लोगों को बाइक चाहिए और महंगी वाली बाइक चाहिए, वो दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आप जब बाइक जाओगी तो एक एसी चाहिए हमको, उन्होंने वो भी दिया। उसके परिवार वालों ने वो गई। जब तीसरी बार कुछ डिमांड की गई तो उस बेटी ने कहा कि मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे माँ बाप भी इस लायक नहीं है कि वो आपको ये चीजें दें। किस तरीके से मेरे माता पिता अपना अनाज तक खेत का वो करके आपको दे रहे हैं। वो ग्रामीण परिवेश का एक मतलब मीडियम फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली से था वो, और एक उनकी बहुत सीमित इनकम थी। उनकी इच्छाएं, उनकी जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी, और या वो हायर एजुकेशन के लिए, वो लड़की पढ़ी लिखी भी थी, हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए उन्होंने कुछ अपना जो आदमी बचत करता है वो रखा था शादी ब्याह के लिए। तो आदमी अपनी प्लानिंग के हिसाब से करता है। अब एक्स्ट्रा ऊपर से बर्डन होगा तो ऑब्वियसली बात है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसमें क्या हुआ शिखा कि जब उसने मना कर दिया तो जब वो तीसरी बार जब खाली हाथ लौटी तो वहीं से उसको प्रताड़नाएं मिलनी शुरू हो गई। परेशानियों का उसका फिर सफ़र शुरू हो गया। उसको मारा पीटा जाता था। वो बहुत बार कहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे मत मारिए पीटिए। आखिरकार एक दिन वो आ गया कि उसके पति ने उसको मारा तो वो लड़की गिर गई थी तो उसके सिर विर में उसको चोट लग गई थी। तो चूँकि वो प्रेग्नेंट भी थी तो वो बेहोश हो गई थी, कुछ ऐसे बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद उन्होंने उसको इस कदर मारा, उन्होंने कहा कि आप तो ये शायद गिरने से मर ही गई है, तो जो भी वो लोग करना चाह रहे हैं, उनका आपराधिक जो उनका दिमाग था जो भी उस बच्ची के साथ, वो उसको एक फांसी का रूप दे करके उसको उस पर टांगने की वो बच्चे को वो लोग उसको कोशिश कर रहे थे। उसके बाद सडनली क्या होता है कि उन्हीं के परिवार का एक छोटा बच्चा जिसमें उसकी अधिकतर फैमिली भी उस दृश्य में उस एपिसोड में शामिल था, लेकिन उसमें से एक छोटा सा बच्चा निकल करके एकदम से दरवाजा खोल के बाहर जाता है, 4-5-6 साल का, कहता है चाची को मार रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने उसको ना रस्सी पे करके उसको ऊपर टांगने तक का भी व्यवस्था पूरी कर दी थी, लेकिन जब उनके हाथ से वो छूट गई रस्सी, डर, जब बच्चा बाहर भाग गया मोहल्ले की तरफ, बच्चा बाहर भाग गया, वो बेटी जब नीचे गिरी तो उसके ये एल्बो खत्म हो गया और उसके रीढ़ की हड्डी में जब चोट लगी तो उसका पूरा नेक भी चला गया, समझिए कि फिर वो फ्रैक्चर हो गया उसमें। उसके बाद उसको आनन फानन में उनके घर वालों को कहा कि आपकी बेटी के साथ कुछ हादसा हो गया है, उसको लाया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन वो कोमा में चली गई थी बच्ची, तो वो तो कोमा में चली। ये केस हमारे पास जब आया तो हमने कहा इस बच्ची की पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे और ये इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ना समझ होते हैं जी, जो कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए भी आगे आते हैं। दुर्भाग्य है फिर कहूँगी मैं इस समाज का जी। अगर किसी अपराधी को आप बचाने के लिए, अरे उसको ये सोचिए ना, उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि वो सुधरेगा ना। बिल्कुल, पनिशमेंट से भी तो सुधरेगा। माँ भी तो अपने पैदा किए हुए बच्चे को जब वो शरारत करती है तो एक चाटा लगाती है। क्यों लगाती है? कि वो रियलाइज करे कि ये गलत कर रहा था। तो जिसने ऐसा अपराध, जघन्य अपराध जो कर रहा है, तो उसमें ये हुआ कि हाँ, मतलब उन्होंने उल्टा हम लोगों को धमकी दी कि एनजीओ पे हम FIR कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करके बहुत झेला। आपने कहा एलिगेशन के रूप में ये बहुत झेला। आखिरकार बहुत बड़ा संघर्ष था। अभी हम लोग के पास एक समय की बाध्यता है तो मैं ये कहूँगी कि वो बहुत बड़ा संघर्ष था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हम लोगों ने 17-18 घंटे उस बॉडी को रख करके, और जब तक मैंने कहा इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनकी इमीडिएट गिरफ्तारी नहीं हो जाती,
खैर लखनऊ पुलिस ने उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और उसके बाद उन पे सब पे FIR भी, गिरफ्तारी उन लोगों की हुई। तो रात में हम लोगों ने उसका क्रिमिनेशन 1 बजे स्वयं अपने हाथों से किया और यहाँ तक कि उन्होंने हम लोगों पे भी एलिगेशन लगाया कि आप लोगों ने, मतलब भाई वो ये नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना कि हमारे वजह से ये हम लोगों ने ऐसा किया, उनको ये लग रहा था ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें पहले हमको चुनौतियाँ मिलती हैं। कहीं पर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा होता है तो हम अगर उनको जाते भी हैं समझाने के लिए कि आप ऐसा मत करिए और ये गलत है, अपनी गृहस्थी को आप संभालिए, परिवार को संभालिए, अपने सामंजस्य को आप ढंग से बिठाइए, तो हस्बैंड का ईगो उसमें ये आ जाता है कि अरे आप लोगों ने ये NGO वालों को क्यों बुला दिया, आपने ऐसे क्यों बुला दिया, आप हमारे घर में, हम आपको FIR, हम कहते हैं हम अकेले तो आते नहीं, 112 को भी डायल करते हैं, हम आपको समझा नहीं आ रहे, आप हमारे कोई दुश्मन नहीं है। होता है जिंदगी में कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन नौबत यहाँ तक नहीं आ रहे कि आप पत्नी को मार रहे तो उसका सर फट जा रहा है, उसको धक्का दे दे रहे हैं, हार्ट टूट जा रहा है, ऐसा वाला तो कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग आप पे FIR कर दे रहे हैं, मतलब हमें ज्यादातर ऐसे केसेस होते हैं कि आपके ऊपर भी केसेस हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं और आते हैं, उनको देखना पड़ता है। तो मैम, आपकी जो संस्था है ये जो काम करती है लोगों के भलाई के लिए काम करती है, बहुत सारे केसेस होते हैं वो चाहे ब्लड डोनेट करना हो या फिर लोगों के भले के लिए वो काम करती है जो ज़्यादातर समय पे गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, वो चाहे सर्दी गर्मी बरसात हो, जो चीज़ें मुहैया करानी होती है वो चाहे गर्मियों में पानी हो, सर्दियों में कंबल हो, तो ऐसे में आप किस तरह से देखती हैं, लोगों को कैसे जागरूक करती हैं कि जहाँ पे उनको सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है या फिर बाकी संस्थाओं से मदद नहीं मिल पा रही है वहाँ पे आप मदद करेंगी, आपकी संस्था मदद करेगी? एक्चुअली सीखा होता क्या है कि माउथ पब्लिसिटी एक ऐसा जरिया है जी, माउथ पब्लिसिटी एक ऐसा जरिया है जो डायरेक्ट लोगों के दिलों पर एक तरीके से दस्तक देता है कि आपने एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ। मान लीजिए हम एक कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, आप ही ने पूछ लिया कि मैम वो मूवी कैसी थी, तो मैं कहती हाँ शिखा बहुत बसरते उसके एड निरंतर चलते जा रहे हैं, लगातार उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। लेकिन जब आप डायरेक्टली हमको पूछते हैं कि आप गई थी, आप बताइए कैसा क्या रिव्यू है, ऐसा जब हम आपको रिव्यू देते हैं तो आप कहते हैं हाँ ठीक है हम भी जाएंगे, जा करके उसको देख आएंगे। कहने का मतलब माउथ पब्लिसिटी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले भी, अब आप देखिए कई साल पुराने, वर्षों पुराने, 100 साल, 2 साल, 300 साल पहले भी तो लोग समाज सेवा करते थे, तब इतने एडवर्टाइजमेंट या इन चीज़ों का तो तब था ही नहीं ना, कुछ नहीं था, तो कैसा होता था, 1-to-1 मैन की कनेक्टिविटी, 1-to-1 आप माउथ पब्लिसिटी करके ही करते थे जी। तो ये हम एक जरिया बनाते हैं कि आपने कहा कि जहाँ पे गवर्नमेंट तक की चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं, उसका एक रीज़न मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट भी कहना करना चाहूँगी उन जिम्मेदार लोगों से कि देखिए सरकारें आती हैं, सरकारें चेंज भी होती जाती हैं, लेकिन उनकी जो योजनाएं इस जनता के लिए, इस समाज के लिए होती हैं, योजनाएं बनाया, उसका बजट बनाया, अब उसको जनता तक पहुंचाना है, लेकिन बीच में कुछ लोग होते हैं जिनके कारण वो, उसको मैं भ्रष्टाचार ही कहूंगी जी, सरकार तो अपनी तरफ से करती है लेकिन बीच में भ्रष्टाचार होता है, बीच में कुछ लोग हैं, उन लोगों के जरिए जहां वहां तक जो वो जनता उसको अवेल कर सके वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि जो, मतलब मैं कह रही हूँ ना, जब हम तक कोई आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, ना कोई कागज़ मेरे हाथ में है, ना कोई अपने माउथ पब्लिसिटी से बताने वाला कोई मेरे सामने है कि सरकार की ये योजनाएं हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, आप लोग इस उसकी कैटेगरी में आते हैं, आप लोग लाभार्थी बन सकते हैं उन योजनाओं के, तो तभी तो कोई जानेगा। लेकिन वो कुछ, मतलब एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है जहाँ पे हमको, मान लीजिए सपोज 40,000 लोगों तक उसको पहुँचाना है, 4-5 हज़ार लोगों तक पहुँचा करके उस योजना का पूरा सत्यानाश कर दिया जाता है कुछ बीच के लोगों द्वारा, कि जो उस चीज़ को नहीं समझते हैं कि ये गरीबों के लिए था, ये महिलाओं के लिए था, ये बुजुर्गों के लिए था, ये बच्चों के लिए था, ये दिव्यांग लोगों के लिए था। कई योजना है सरकार की, बिल्कुल हर सरकार की, जो भी सरकार आए हर सरकार में योजनाएं होती हैं, लेकिन लाभार्थी कितने होते हैं? सिर्फ कागजों में होते हैं। जेन्युइन लाभार्थी कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो मेरी टीम ने इस मुहिम को पिछले
कई सालों से हम लोग सरकारें जो भी रही वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उनकी योजनाएं हैं समाज के लिए जी, लोगों के लिए है, जनता के लिए है, हम लोग उसका भी अवेयरनेस केवल शहरों के अंदर ही नहीं, स्लम्स में देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में देते हैं, अर्बन स्लम्स में पहुंचाते हैं, जो हमारे वॉलेंटियर्स होते हैं उन लोगों तक जाते हैं और माउथ पब्लिसिटी के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं कि उनको इस, मान लीजिए अभी क्या वर्तमान का मैं बताती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला, अगर अभी अब मैं बता रही हूँ उसके तहत क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, वो हमारे वॉलेंटियर जा जा करके ग्रामीण क्षेत्रों में बताते हैं, शहरी क्षेत्रों में बताते हैं, स्लम्स में बताते हैं, अर्बन, और उसको अवेल करने के लिए क्या क्या आपके पास आपके टूल्स होने चाहिए, लाइक आपका आधार कार्ड होना चाहिए या आपका राशन कार्ड होना चाहिए या आपको किसी भी तरीके का और भी जो हम लोग के वोटर आईडी कार्ड है वो है कि नहीं है, ये पहले आप कर लीजिए, अगर नहीं है तो कहाँ बनेंगे, ये भी सुविधा हम लोग उनको बताते हैं, क्योंकि वो जनता ऐसी है उतनी शिक्षित नहीं है, बस उनको शिक्षित और शिक्षा के प्रति भी उनको अवेयर करना है कि आपको इतनी दिक्कत इसलिए आ रही है कि आप पढ़े लिखे नहीं। जी बिल्कुल, अब बात करी जाए कोरोना टाइम की, तो कोरोना टाइम पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज सेवा करती हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी, लेकिन जितना हम जानते हैं आपने कोविड के टाइम पे बाकी चीजों से तो मदद करी, लेकिन जो अंतिम संस्कार होता है उसके लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा वक्त शमशान घाट पे देखी गई थी, उसके बारे में भी हम जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल शिखा, ईश्वर करे, सबसे पहले तो मैं भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि ऐसा मंजर ऐसा दौर कभी धरती पे दोबारा ना आए, क्योंकि अभी का जो ये पीरियड है, अभी हम जो यहाँ बैठे हैं मई में, ये 2022 है, 2021 पिछले साल जी, मतलब जो लोग मर रहे थे जिन लोगों को कोविड हो रहा था शायद उनकी कोई काउंटिंग नहीं थी। बिल्कुल, बहुत सारी सुविधाएं होने के बाद भी, मेडिकल सुविधाएं होने के बाद भी वो मंजर ही कुछ ऐसा था, वो बीमारी ही कुछ ऐसी थी, वो वायरस ही कुछ ऐसा था कि आप और हम अगर कांटेक्ट में है तो डेफिनेटली आपको भी हो जाएगा अगर मैं कोविड पेशेंट हूँ। बिल्कुल, तो इसको कितना भी मेडिकल, कितना बड़ा भी मेडिकल हब हो जाए, कितनी भी ज्यादा मेडिकल सुविधाएं हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, और भारत जैसे देश में जहाँ करोड़ों की जनता हो तो वहाँ तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा जी। लेकिन मैं थैंक यू बोलूँगी अपने डॉक्टर्स को, मान लीजिए सरकार को भी मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको पहुँचाना था सुविधा, उन्होंने पूरी सुविधा पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश जनता के लिए की और बहुत ज़्यादा लोगों की। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि सनातन धर्म में महिलाओं का शमशान जाना मना होता है, लेकिन आप उस कठिन समय में गई, लोगों की मदद करने गई, तो जिस टाइम मौत का तांडव था, लोग घरों पर भी डर रहे थे, क्या आपको डर लगा उस वक्त? जी, मुझे डर इस बात का लग रहा था कि जैसे एक परिवार में मान लीजिए 8 फैमिली मेंबर हैं, दुर्भाग्य ये था कि 8 के 8 लोगों को, कई ऐसे एग्जांपल थे, कई फैमिलीज के ऐसा दुर्भाग्य था, सबको कोविड हुआ था और बहुत गंभीर परिस्थितियों में वो थे, कोई लोग घर में आइसोलेट थे उनकी फैमिली का, कोई लोग हॉस्पिटल में था, और दुर्भाग्यवश अगर किसी का, उन में से किसी की अगर डेथ हो गई तो उस बॉडी को रिसीव करने के लिए कौन बाहर आएगा, वो सिचुएशन ही नहीं थी ना जी, वो कोई भी सिचुएशन नहीं थी, ऐसी सिचुएशन भी नहीं थी कि कंप्लीट लॉकडाउन था कि पड़ोसी को बुला ले कि आप वहाँ से जा करके मेरा ये काम कर दीजिए, हम लोग तो सब बीमार हैं, आप जा करके कर लीजिए, तो वो बिल्कुल सिचुएशन नहीं थी उस समय, तो हम लोग बाहर निकल करके काम कर रहे थे, हमारी टीम बाहर निकल करके काम कर रही थी, लोगों के जरिए या कई बार हमको सोशल मीडिया से भी ये पता चलता था फलाने को ऐसी मदद की ज़रूरत है, उसके वहाँ डेथ होगी, रिसीव करने वाला कोई नहीं है, या कोई लावारिस भी होते थे, परिवार होने के बाद, परिवार वालों की बात अलग है, पर लावारिस भी होते थे जी। तो हम कहते थे ठीक है, ये ऐसे ही इस दुनिया से अंतिम विदाई नहीं लेगा, हम हैं, हमारी टीम है, हम लोग जाते थे और उसको एम्बुलेंस बुला करके उसको शमशान पे, सबसे अच्छी बात ये रही कि जो जिस धर्म का था हम उसका अंतिम संस्कार
उसी तरीके से कराते थे। एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, पूरा कम से कम पूरे हिंदुस्तान के उन समाज सेवियों को जिन्होंने बाहर निकल करके अपनी जान हथेली पर रख करके बहुत सारा काम किया, मेरी टीम ने भी, हमने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की। एक टाइम आया सीखा कि मेरी टीम के 9 लोगों को कोविड हो गया, वो कोविड पॉजिटिव हो गए, इन परिस्थितियों में दूसरे की मदद करते करते। और 2 हमारे ऐसे सिपाही थे, हमारे पदाधिकारी ऐसे थे कि जिनकी नौबत वेंटिलेटर पे जाने की हो गई, लेकिन भगवान का, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र रहा कि वो लोग सही हो गए, फिर से अपनी कार्यशैली में, अपने कर्मभूमि में फिर से वो लोग आ गए। आपके सवाल पे मैं, तो ऐसे कई सारे तो क्या उस वक्त आपको अपने परिवार का ख्याल आया कि अगर आपको कोविड हो गया आपसे आपके परिवार को भी हो सकता है? परिस्थिति बहुत गंभीर थी। जी, मैं वैसे प्रिकॉशंस वही लेती थी कि मैं बाहर से आ रही हूँ, शमशान से आ रही हूँ, अस्पताल से आ रही हूँ, तो जो कोविड की जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई थी मैं उनका पालन जरूर करती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं किसी को बचाने के लिए जा रही हूँ, अगर मान लीजिए मुझे कुछ हो भी जाता है तो मैं समझूंगी कि हम किसी की सेवा करते करते शहीद हो गए, कोई बात नहीं, जान चली गई कोई बात नहीं, लेकिन हाँ परिवार की चिंता तो बहुत होती थी। मुझे लगता था कि अगर मेरा ये स्टेप ऐसा बाहर निकलने के बाद और फिर यहाँ घर में आने के, अगर कोई वायरस मेरे साथ आ गया और परिवार में ऐसा हो गया, मैं उसकी चिंता भी बहुत करती थी, लेकिन साथ ही साथ मैं डॉक्टर्स को भी पूछती रहती थी ऐसा प्रिकॉशन, ये चीज़ वो, बहुत सारे हमारे अपने ही सर्कल में डॉक्टर्स हैं, फ्रेंड सर्कल में, परिवार में, रिश्तेदारी में है, तो सब कुछ चल रहा था, वो सामंजस्य उतना पूछा ताछी मैं इसलिए करती थी कि हम भी बचे रहें, टीम बची रहे। उस समय मीडिया ने भी हम लोगों का बहुत ज़्यादा, जनता का साथ दिया बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ जाके उनको कवर करना ही नहीं किया मीडिया ने, मीडिया ने जितना हो सकता था उन लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दिया, किसी भी तरीके से किसी को हॉस्पिटलाइज करना, किसी की मदद करना, मैं मतलब साथ में साथ, पुलिस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, डॉक्टर्स तो फर्स्ट उसमें पाए, सभी ने अपने स्तर पे काम किया, सभी ने स्तर पे काम किया, तो मेरे को ये लगता था, लेकिन डर भी लगता था सीखा मेरे को कि परिवार को मेरी वजह से सब कुछ मतलब ना झेलना पड़े, कोई हादसा ना हो जाए मेरे परिवार में, लेकिन फिर मेरे जो अंदर का जो एक समाज सेवा का जो जुनून था ना, वो मेरे को अंदर नहीं रहने दे रहा था। मतलब किसी की कॉल आ रही है कि इसका ऑक्सीजन इतना हो गया, इसको ये अरेंजमेंट कराना है, अस्पताल नहीं है, तो मेरे खुद ही खुद दरवाजा खोल के पैर बाहर निकल जाते थे कि नहीं यार इसका इंतजाम करना है, इसका इंतजाम करना है, भले कैसे करके करो इसको बचाना है, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी चीज होती है कि जब इंसान को लगता है, कौन सोचता है कि हम मरे, कोई नहीं सोचता है, और जब उसको सामने मौत नजर आती है तो उसकी परिकल्पना भी हम नहीं सोच सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय। और ऐसे में कोई अगर आपको दस्तक देता है, गुहार करता है आपसे कि मुझे मदद चाहिए, तो मेरा जैसा आदमी तो नहीं रुक सकता। दूसरी बात का मैं आपका जवाब दूंगी कि महिलाएं शमशान नहीं जाती हैं, ये एक आपने सवाल अच्छा किया, हमारे उसमें है, ये हमारे धर्म में है, सभी सभी धर्मों में ही है और ये होता भी चला आ रहा है जी। लेकिन किसी भी धर्म की रक्षा तब होगी जब मानवता की रक्षा होगी, बिल्कुल, और जब इंसान बचेगा। धर्म धर्म का के प्रति जागरूक कौन करता है? इंसान ही तो करता है जी। या धर्म को फॉलो कौन करता है? चाहे वो कोई भी धर्म हो, इंसान ही करता है, बिल्कुल। तो जहाँ वो मानवता मर रही थी, जहाँ वो मानव मर रहे थे, जहाँ वो इंसान मरे जा रहे थे, तो मुझे पहले इनको बचाना जरूरी है। धर्म की रक्षा तो हम जिंदा रहेंगे तो तब हो जाएगी ना जी। तो फिर चाहे वो अस्पताल में हो, शमशान में हो, थाने में हो, सड़क में हो, मुझे वहाँ पे खड़ा होना जरूरी, उचित समझती हूँ मैं, जहाँ पे मुझे किसी की जिंदगी को बचाना जी। कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं लेकिन उनका परिवार उनकी जान का दुश्मन बन जाता है, ऐसे केसेस में कभी कोई ऐसा केस आपके पास आया हो या फिर आपने किस तरह से हेल्प करी है? जी आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको उस उन परिवार को और बच्चों को जी कानून के प्रति अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एग्रेसिव हो करके या किसी को सजा दिलवा करके या जबरदस्ती करके आप किसी भी सक्सेसफुल या शांतिपूर्ण रूप से आप उसको एक उस घटनाक्रम को एक उस पायदान पर ला करके कतई खड़ा नहीं कर सकते हैं।
जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप लोग बिल्कुल करो करो, परिवार जाए एक तरफ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज, इस समाज की जो एक समाज का जो ताना माना है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, हर चीज की जब एक समीकरण अच्छा बैठता है तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। कई बार आता है कि वो तो आपस में है, बच्चों का अपना है, अफेयर है, बच्चे शादी करना चाहते हैं, लेकिन धर्म आड़े आता है, क्षेत्रवाद आड़े आता है, और छोटा बड़ा के हम तो इतने बड़े वाले क्षत्रिय हैं या ये छोटे वाले हैं, जिसकी जैसी मानसिकता, जिसका जैसा सोच, जो जिस समाज में रहा हो तो वो जिसने जितना सीखा उसी तरीके के सवाल आते हैं। लेकिन आज बच्चे लोग जो है, पढ़ाई जो है, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बच्चे भी सारे समझदार हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले उन बच्चों को भी और उन परिवारों को भी हमको इसके कानून के प्रति सजग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन परिस्थितियों में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कानून क्या कहता है। जी, अगर आप बालिग हैं, कहीं पे भी कानून में ये नहीं लिखा है कि धर्म के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके शादी होगी। होती है शादी, बिल्कुल हर धर्म में एक दूसरे से शादी की जाती है, होती है, होती है। जी, ठीक है। अगर बात करी जाए जागरूकता की, आप हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर भी काफ़ी जागरूक करती रहती है लोगों को, हाइजीन को लेकर भी करती रहती है, तो कौन कौन से क्षेत्र में आपका फोकस ज़्यादा रहता है? देखिए, हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महिलाएं और खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं थोड़ा सा लापरवाही कर देती हैं क्योंकि वो बहुत भावनात्मक तौर से परिवार से जुड़ी होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं। बुखार आता है, आजकल तो कोविड के बाद भी हर कोई कहता है बुखार आ रहा है तो तुरंत टेस्ट करवा लो भाई अपना। उसमें भी हम महिलाएं कहती हैं अरे कोई बात नहीं, अभी तो आज मेरा इतना काम है, मैं कल चली जाऊंगी, आज तो परिवार का ये इम्पोर्टेंट काम है, मैं ऐसा कर लूंगी। लेकिन यही चीज़ों को हम लोगों को उनको अवेयर करना होता है, बेटियों को अवेयर करना होता है। बेटियों को स्कूल्स में जा कर के हम लोगों ने तो 1,30,000-35,000 से भी ऊपर बेटियों के साथ हम लोगों ने वर्कशॉप कर दी है, कार्यशाला कर दी है, उनके हेल्थ को लेकर के, उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। मैं हेल्थ कैंप भी हम लोग समय समय पर लगवाते रहते हैं हर तरीके का, बच्चों को प्रोटेक्ट, क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी, पढ़ाई अच्छी तरह से चलेगी, नौकरी चलेगी, परिवार चलेंगे, सब कुछ रहेगा, क्योंकि स्वस्थ रहना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ का, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, परम सौभाग्य होता है जिससे कि सृष्टि की भी रचना, आगे सब कुछ होती है, जो पीरियड्स के दिनों में बच्चे लापरवाही कर देती हैं, महिलाएं, बेटियां लापरवाही, तो उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे क्या क्या इसके इश्यूज हो सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको अवेयर करना, और उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को भी मिला है। हम लोग सैनिटरी नैपकिन को लगभग 3,00,000 से भी ज़्यादा ऊपर महिलाओं और बच्चों तक ले गए। उनमें वो लोग थे जो कहते थे कि हम अभी यूज नहीं करते। यूज न करने का कारण पैसा नहीं था, यूज न करने का कारण अशिक्षा थी, कुछ झेप थी, हिचकी थी कि अगर मुझे ये पैकेट्स लेने बाहर जाने हैं तो आंगन में तो बाबा बैठे हैं, आंगन में तो पापा बैठे हैं, भाई बैठा है, अगर पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हैं, तो ये चीजों को झेप को कि नहीं बेटा उसमें झेपना नहीं है, अगर आप बता सको तो सही बताओ कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो भी उस चीज को समझेंगे, बिल्कुल उस चीज की जरूरत को समझेंगे और आपको कोई मना नहीं करेगा। ये चीज हो गया। अब इसके बाद जब हम स्वस्थ हैं, सब कुछ है, नौकरी पे जा रहे हैं, पढ़ाई पे जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, समाज का एक गंदा ये दृश्य होता है कि बेटियां जा रही हैं, महिलाएं जा रहे हैं तो उन पर कोई छींटाकसी कर रहा है, कोई उनको किसी भी तरीके, आजकल किसी भी तरीके का छेड़छाड़ कर रहा है। तो उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए जो ये हेल्पलाइन जारी की गई है, सरकारों की तरफ से जो हेल्पलाइन जारी की गई है, इसकी अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सर्विसेज नो डाउट बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से बहुत सारे करोड़ों लोगों की इसमें मदद हो रही है। जी, मान लीजिए अभी आजकल जो है सब कुछ डिजिटल हो गया है,
जी। हर चीज बातचीत सारा मतलब सोशल मीडिया जहाँ एक तरफ सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेज हैं, वहीं सोशल मीडिया के बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं जी। बहुत सारे मान लो बेटियों को परेशान करना, धमकी देना किसी को, किसी की कुछ भी एडिट करके फोटो, तो वो मेंटल स्ट्रेस और वो मानसिक प्रताड़नाएं बहुत जी खतरनाक होती है। इसके लिए जैसे हमारे साइबर उसमें जैसे 1090 है महिलाओं के लिए, वन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल ऐसा नंबर है 1090 कि जिसको कि आप अपना मान लीजिए आपका नाम पब्लिक ना हो, समाज का भी तो बहुत सारा डर रहता है, समाज का बेटियों के ऊपर है बहुत सारी चीज़ें हावी हैं, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ कि हमारी बेटियाँ अब बहुत सजग भी हो गई हैं, बहुत कर्मठ भी हो गई हैं और हर परिस्थिति को फेस करने के लिए कम्प्लीटली बिल्कुल अपने बहुत हिम्मत के साथ खड़ी भी रहती हैं। तो 1090 आपकी पहचान को छुपाता है, आपको मतलब बिना किसी उसके आपकी मदद कर देता है, जो आपको परेशान करता है संबंधित थाने में उसका पूरा ब्यौरा भेज करके आपकी को किस प्रकार से वो प्रताड़ित कर रहा है उसको दंडित किया जाता है, और इस तरीके से आपकी जब मदद हो जाती है तो मैं बेटियों से यही चाहती हूँ कि जिनको इन हेल्पलाइन नंबर से किसी भी प्रकार की मदद मिलती है तो आप इस मुहिम को रोके नहीं, अगर आप उसे लाभान्वित हुए हैं तो आप आगे कम से कम 10 लोगों को और बताइए कि आप इस नंबर को यूज़ करिए और इससे आपकी जितनी भी समस्याएं जो भी प्रताड़ना आपके साथ हो रही है उसमें आपको मदद मिलेगी जी। इमीडिएट किसी के साथ हाथापाई हो गई, कहीं पे कोई आप एक्सीडेंट देख रहे हो, किसी भी तरीके का देख रहे हो, आप 112 बहुत मतलब कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट के अंतराल में उस घटना स्थल पर पहुँच जाए जिसमें आप स्वयं की भी मदद कर सकती है किसी दूसरे की भी। तो ऐसे तमाम 1098 है, कहीं पर आपको कोई बच्चा दिखाई देता है उस पर अननेसेसरली उसको कार्य किया जाता है, अबोध बालक है वो और छोटा बच्चा है उसको कार्य करवाया जा रहा है, उसे श्रम करवाया जा रहा है, आप उसकी भी कंप्लेंट वहाँ पे कर सकती हैं। कई बार ये होता है कि दुर्भाग्य है फिर हमारा समाज का और हम सब लोगों का कि छोटे बच्चे मिलते हैं, नवजात शिशु मिलते हैं जी। उनके लिए भी आप तुरंत 1098 चाइल्डलाइन नंबर पे आप डायल करिए, इमीडिएट उनकी टीम आती है, वो रेस्क्यू किया जाता है। तो तमाम ऐसे हम लोगों के नंबर्स हैं, सीएम हेल्पलाइन है 1076 है, आप अपनी समस्याओं को आप सीएम ऑफिस तक भेजिए या पुलिस तक भेजिए, कहीं पे भी आप भेजिए उस पे आप नोट करा सकते हैं। तो इनकी अवेयरनेस, अरे सरकारों ने तो ये सब चीज़ जारी कर दी है, तो क्या ये समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुंची है जी? तो मैं समझती हूँ कि समाज सेवा में एक ये जागरूकताएँ अगर अगर हम सिर्फ अवेयरनेस ही फैलाएंगे तो बहुत बड़े स्केल पे ये एक बहुत अच्छा काम। आप एक अच्छा उदाहरण बनके जनता के बीच आई हैं, जिस तरह से आप अपना काम करती हैं और आपके काम को हमारे दर्शकों ने समझा सुना जाना, तो आप क्या कहेंगी महिलाओं को? क्योंकि आज के टाइम पे अगर कुछ महिलाएं हैं जो कि डर रही हैं या फिर किसी चीज़ से झिझक रही हैं, तो आपके काम से तो वो प्रेरित होंगी जो दूसरों की मदद कर सकता है, तो आप उनको सशक्त बनने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, माँ होती हैं, वो ममता की मूर्त होती हैं, भावनात्मक होती हैं और उसको एक बहुत अच्छे अपने काम के अपने सेवाओं का मैनेजमेंट वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं, बहुत अच्छी मैनेजर होती है वो इस मामले में। और वो अगर एक किसी को भी देखती है, हज़ारों लोग हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, किसी से भी प्रेरित होकर के अगर उनको लगता है कि मुझे अपने काम से अपनी जिम्मेदारियों से अगर थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं बाहर निकल कर या किसी भी तरीके से हम भी मदद करें, तो बिल्कुल मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा लिया गया ये निर्णय ज़रूर किसी की आफत को उसकी राहत में बदल सकता है और किसी की आह को उसको वाह में बदल सकता है, ठीक है। और इसमें उन लोगों को सबसे पहले मैं तो कह रही हूँ कि जो समाज के लिए कुछ करने के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज के ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकलना चाहता है, वो सबसे पहले परिवार की मदद करें और परिवार के मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करें, चाहे बच्चे हों, इन लॉज हो, हस्बैंड हैं, अदर
भी पारिवारिक जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों का जो रूटीन है, खाना है, पीना है, जो भी हमारा परिवार का एक रूटीन होता है, दिनचर्या होती है, उसको प्रॉपर वे में उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद बाहर निकलें। और ये शब्द तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, अपने जहन से, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई चिल्ला रहा है, मान लीजिए बगल में है, रो रहा है हेल्प के लिए, आप बाहर निकलते हो, आप देखते हो इसको कोई दिक्कत है, फिर आपका एक आवाज़ निकलती है, अरे जाने दो, कौन पुलिस के लफड़ों में पड़े, कौन इनके लिए, ये जो जाने दो, रहने दो, हमें क्या करना, हमसे क्या मतलब। प्लीज़ उस वक्त तो यूज़ ना करें जिस वक्त किसी ज़रूरतमंद को आपकी ज़रूरत हो। बिल्कुल। और नारी शक्ति, मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि नारी के आगे शक्ति लगा है, मातृ के आगे शक्ति लगा है, तो इन शक्तियों को समझें और बस अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, हाँ लेकिन दिल से, बहुत दिल से आप अगर मदद करें तो ज़रूर बाहर निकलें और ज़रूर मदद करना चाहिए। और महिलाएं तो इतनी सशक्त हैं अपने आप में, बिल्कुल सशक्त हैं, बिना कहते हैं ना कि परिवार का जो उत्थान होता है वो नारी शक्ति पे ही डिपेंड करता है जी। और ये तो सभी को पता है, कहते हैं कि एक पुरुष की जो कामयाबी होती है किसी न किसी महिला का हाथ होता है। पुरुष तो है ही है, बिना उनके तो कुछ भी नहीं है जी। भाई भाई है तो उसकी एक गरिमा है, पति है उनका एक स्थान है, माँ बाप है उनका तो हम कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। माँ बाप में हमारे इन लॉज भी आ गए, हमारे पेरेंट्स भी आ गए हैं जी। हाँ, सबके साथ अगर महिला शक्ति का साथ है तो नो डाउट कि समाज जो हम लोगों का है उसको सशक्त होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कभी नहीं रोक सकता जी। बिल्कुल, आशा करते हैं कि आपके बारे में जान के, आपके कामों के बारे में जान के हमारी जनता प्रेरित होगी और कुछ अच्छा करने के लिए, दूसरों का भला करने के बारे में जरूर सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के शख्सियत के कार्यक्रम में हमने सुमन सिंह रावत जी के जीवन के अनसुने किस्सों के बारे में भी जाना, उनके कामों के बारे में भी जाना और ये भी जाना कि किस तरह से उन्होंने परिवार और अपने काम के बीच में तालमेल बैठाते हुए इस सफलता को पाया है। आज वो कई लोगों की मदद करती हैं और लोगों को भी इसी के लिए प्रेरित करती हैं कि जब किसी को जरूरत पड़े तो आप उनकी मदद के लिए जरूर आ जाएं। आशा करते हैं आपको उनकी ये कहानी पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ और जानेंगे अनसुने किस्से। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। धर्म, सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच साहस और सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुध सारी।
दिन भर की चार बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। चार बजे की चार बड़ी खबर देखिए 4 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे। शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर सिर्फ प्राइम टीवी पर। सावधान, क्या कोहराम मचाने को तैयार है कोरोना? बच्चों पर हो रहा है कोविड अटैक? क्या स्कूलों पर लगेगा कोरोना ग्रहण? स्कूल खुलते ही टूट पड़ी है बड़ी आफत। संक्रमण से बढ़ रही पेरेंट्स की मुसीबत। क्या हो गई है चौथी लहर की शुरुआत? अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांव पे। अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। झूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। डीजीसीए ने कंफर्म टिकट के बावजूद यात्रा से रोकने पर एयरलाइंस को चेताया, कहा सिविल एविएशन रेगुलेशन का पालन करें विमानन कंपनियां। संस्कृत विश्वविद्यालय भी कराएंगे बीए बीएससी की पढ़ाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुविषय केंद्र के रूप में तब्दील होंगे विश्वविद्यालय। किचन पर महंगाई की मार, एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद देर रात घर पहुंचे तेजिंदर बग्गा, कहा किसी से डरने वाले नहीं। गिरफ्तारी की कहानी तेजिंदर बग्गा की जुबानी, आतंकवादियों की तरह घसीट कर बाहर लाए, पिता के साथ भी हुई मारपीट। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, हरदोई के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर हमला, बोले भाजपा शासन में पुलिस थाने बन गए अपराध और अन्याय के अड्डे। यूपी में 23 पीसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति विभाग का प्रस्ताव। 9 व्यापी परिसर में सर्वे के दौरान वाराणसी में वकीलों ने कमीशन को मस्जिद के अंदर जाने से रोका।
अखिलेश से नाराज और भाजपा से मायूस प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल ने किया पार्टी का पुनर्गठन, घोषित किए फ्रंट संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष। क्यूबा की राजधानी हवाना के होटल में जोरदार विस्फोट, 18 लोगों की गई जान। राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड एलिना का नाम यूरोपियन यूनियन की प्रतिबंध लिस्ट में शामिल। श्रीलंका में एक बार फिर लागू किया गया आपातकाल, सरकार विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने की घोषणा। विश्व में खाद्य और ईंधन के संकट को देखते हुए रूस को प्रतिबंधों से मिल सकती है राहत, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दिए संकेत। बोरिस जॉनसन की पार्टी को लंदन के निकाय चुनाव में मात, विपक्षी दल लेबर पार्टी ने बहुमत के साथ हासिल की जीत। मुंबई की रोमांचक जीत, मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में गुजरात को मिली लगातार दूसरी हार। शुभमन गिल का खुलासा, अंधविश्वास था अगर सीनियर गुरकीरत मान के बल्ले से खेला तो खूब रन बनाऊंगा। चोटिल टाइमल मिल्स की जगह ट्रिस्टन स्टब्स मुंबई इंडियंस टीम में हुए शामिल। हैदराबाद के हार के बाद पॉइंट टेबल में आया बड़ा बदलाव, गुजरात अब भी टॉप पर बरकरार। टी20 क्रिकेट में तेज गेंदबाज खलील अहमद ने पूरे किए 100 विकेट, हैदराबाद के खिलाफ हासिल की उपलब्धि। कियारा आडवाणी संग ब्रेकअप के बीच बंगाली एक्ट्रेस ट्रीना साहा के साथ रोमांस करते नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो देख फैंस हुए हैरान। राष्ट्रभाषा विवाद में कूदे जावेद जाफरी, कहा अजय देवगन की तरह मुझे भी पहले लगता था कि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। राणा तिग्गुबाती की फिल्म विराट पर्वम का ऐलान, 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शाहरुख खान के घर बड़ी हस्तियों ने की शिरकत, एक्टर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। लाल सिंह चड्ढा को लेकर आमिर खान का बड़ा खुलासा, बोले 14 साल का संघर्ष पूरा। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। धर्म सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच साहस और सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम
प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुध सारी। दिन भर की 4 बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। 4 बजे की 4 बड़ी खबर देखिए 4 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल, रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दे, शहर की बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। हर शहर प्राइम रिपोर्टर सिर्फ प्राइम टीवी पर। सावधान, क्या कोहराम मचाने को तैयार है कोरोना? बच्चों पर हो रहा है कोविड अटैक, क्या स्कूलों पर लगेगा कोरोना ग्रहण? स्कूल खुलते ही टूट पड़ी है बड़ी आफत, संक्रमण से बढ़ रही पेरेंट्स की मुसीबत, क्या हो गई है चौथी लहर की शुरुआत? अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस,